गुरुजी की और वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। एक दिन गुरु नानक देव जी भोजन कर रहे थे, उसी समय एक ज्ञानी पंडित उनके पास आए। उनके आते ही गुरुजी ने उनसे पूछा, आओ भोजन कर लो। पंडित जी ने कहा, मैं स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता हूँ, इसकी वजह से जब भी मैं भोजन पकाता हूँ तो मैं सबसे पहले 2 इंच जमीन खोदता हूँ, फिर उस जमीन को साफ करता हूँ, फिर मैं पानी से लकड़ियों को धोता हूँ, उसके पश्चात ही मैं भोजन पकाता हूँ। गुरुजी बोले, तुम्हारा जहाँ मन आए जमीन खोद लो और अपने आप भोजन पका लो, मैं तुम्हें दाल और आटा दे दूंगा। परंतु जैसे ही उन्होंने जमीन खोदी, उन्होंने देखा वहाँ हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। पंडित जी बोले, छी 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 छी, यह जमीन तो अपवित्र है, मैं दूसरी जगह जमीन खोदता हूँ। पंडित जी ने जैसे ही दूसरी जगह जमीन खोदी, वह हैरान हो गए, वहाँ पर भी हड्डियाँ थी। इस प्रकार पंडित जी ने कई जगह जमीन खोदी। पर सब जगह उन्हें हड्डियां ही मिली। अब पंडित जी बहुत थक चुके थे, वह थक हार कर गुरुजी के पास गए और उनसे बोले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप जो भोजन कर रहे थे वही भोजन मुझे दे दो। पंडित जी से गुरुजी ने कहा, वह समय जब मैंने तुम्हें भोजन करने को कहा था वह चला गया है, परंतु अब तुम बाहर जाओ, भगवान का नाम लेकर जमीन खोदो। पंडित जी ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने उनसे कहा था। हे ईश्वर कृपा करो। अब की बार गुरुजी की कृपा से जमीन बिल्कुल साफ निकली। पंडित जी ने वहां भोजन बनाया। भोजन करने के पश्चात वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने पंडित जी से कहा, स्वच्छता पवित्रता के बारे में आपके विचार वास्तविकता से परे हो गए हैं, गलत धारणाओं ने आपको अंधविश्वासी बना दिया है। अगर तुम पवित्रता स्वच्छता को ध्यान में रखकर एक अलग सोने की रसोई बनाओगे, पानी गंगा का लाओगे, सबसे अच्छा चावल व ताज़ा दूध इस्तेमाल करोगे, मंत्रों से उच्चारण कर उस भोजन को पवित्र करोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं। तुम पारिवारिक हो या वैरागी, उच्च जाति के हो या नीच जाति के, हिंदू हो या मुस्लिम, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, तुम्हें एक ही चीज़ मोक्ष दिला सकती है और वो है तुम्हारे कर्म। ऐसी स्वच्छता सही नहीं है जो किसी की जात धर्म रंग व रूप को ध्यान में रखकर करी जाए। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन इंसान समझकर करवाए, ना कि उसकी जात धर्म रंग व रूप को देखकर। पंडित जी को ज्ञान देकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। गुरुजी की और वीडियो बनाने में हमारा सहयोग पेटीएम के माध्यम से करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। गुरु नानक देव जी देश विदेश का भ्रमण करते हुए सिरसा पहुंचे। भाई सैदो जाट उनके राहगीर थे। उस समय कई साधु और फकीर वहां रहते थे। दूसरी ओर वहां मुल्ला मौलवी भी अलौकिक शक्तियां पाने के लिए कर्म कांड करते रहते थे। किसी को वो पुत्र प्राप्ति का वरदान देते थे और किसी को बीमारी से मुक्त करने की दवाई। चाहे कोई साधु हो या मौलवी, इस तरह से लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें अपना अनुयायी बना रहे थे। उन साधु और मौलवियों का असली उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं, अथवा वह लोगों को अपनी दिव्य शक्ति दिखाकर उसके बदले वह ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना चाहते थे।
कोई वहाँ हठ योग करता था तो कोई महीने भर का व्रत रखता था। गुरु नानक देव जी मुल्ला मौलवियों और साधुओं के बीच में पहुँचे। जब वहाँ के साधु फकीर और मौलवियों को यह पता चला कि एक दिव्य व्यक्ति तलवंडी से सभी और अपनी आभा फैलाते हुए उनके बीच पहुँचे हैं, तो सब उनके आसपास इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए साधुओं में पीर बहावाल, हक शाह नवाज, फरीदुद्दीन, जत्ती लाल व कई और लोग भी थे। यह सभी लोग वो थे जो शक्तियां पाने के लिए हठ योग करते थे, अपने आप को यातनाएं देते थे व दिनों दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रखते थे। सबसे पहले उन लोगों में हठ योग और तपस्या पर वाद विवाद हुआ। गुरुजी बोले, अगर दिमाग दोष से भरा हो तो कुछ प्रकार के योग उसे दूर करने में मदद करते हैं, पर अगर आप दिनों दिन या महीनों महीनों अपने शरीर को यातनाएं देकर घोर तपस्या करते हैं तो उसका फल कुछ नहीं निकलता। अपने शरीर को व्रत या किसी और तपस्या के कारण कमजोर मत बनाओ। सिर्फ हठ योग के द्वारा मन व दिमाग को वश में नहीं किया जा सकता, इससे तुम्हारा शरीर कमजोर होगा और कोई फल भी नहीं आएगा। जत्ती लाल ने गुरुजी से पूछा, ऐसे लोग भी हैं जो मंत्र पढ़ते हैं, अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनका मन लालच से भरा रहता है, वो ना तो ईश्वर की तपस्या करते हैं ना हठ योग करते हैं, तो क्या आपकी नजर में वो लोग सही हैं? गुरुजी बोले, मैंने कब कहा वो सही हैं? परंतु मैं यह भी कहता हूँ, अपने शरीर को यातनाएं देकर हठ योग करने वाले भी सही नहीं हैं, अगर उनका मन या दिमाग ईश्वर में लीन नहीं है। बहावाल नामक व्यक्ति बोले, अगर संसार में साधु संत तपस्या नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो संसार तो विनाश के पथ पर चल पड़ेगा। गुरुजी बोले, तो तुम लोगों को क्या लगता है, घोर तपस्या, योग, व्रत व नाना प्रकार की यातनाएं सहकर ही ईश्वर मिल सकते हैं? इंसान अच्छे कर्म करे, ईश्वर का सच्चे मन से सिमरन करे, तब भी तो ईश्वर को पाया जा सकता है। फरीदुद्दीन ने कहा, जो लोग खुद तपस्या नहीं कर सकते, महीनों महीनों व्रत नहीं कर सकते, वो ही लोग तुम जैसी बातें कर सकते हैं। क्या तुमने कभी घोर तपस्या की है? गुरुजी ने कहा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं कर सकता। जलाल ने कहा, अरे जब तुमने कभी तपस्या की ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कौन सी राह ईश्वर को जाएगी और कौन सी नहीं? अरे भाई, तुम हमें सिखाने से पहले व्रत कर बताओ, भूख को मार कर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से इंद्रियों को मार कर भूख सहन की जाती है और ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। 40 दिन के लिए हमारे साथ व्रत करो, रोज सिर्फ एक गेहूं खाओ, एक कटोरी से ज्यादा पानी मत पियो, फिर हमें अपना ज्ञान देना। भाई सैदो जाट ने गुरुजी के कान में कहा, गुरुजी इन लोगों के बात समझ नहीं आएगी, हमें चलना चाहिए। गुरुजी ने भाई सैदो से कहा, जब एक बच्चा कीचड़ में चला जाता है और जब वह बाहर निकल नहीं पाता तो उसे कीचड़ में जाकर ही बाहर निकालना पड़ता है। जलाल की बात गुरुजी ने मान ली। गुरुजी को एक कमरा दिया गया। बाहर बैठे लोग गुरुजी पर हमेशा निगरानी रखते थे। सभी साधु अपने अपने कमरों में व्रत और तपस्या करने लगे। बीत गए। सभी साधु एक एक कर बाहर निकले। वह लोग भूख प्यास के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। या अल्लाह, पानी की बहुत प्यास लग रही है, पानी लाओ कोई। हे ईश्वर, 40 दिन हो गए हैं कुछ खाए हुए, जल्दी से कुछ खाना लाओ। अब गुरुजी कमरे से बाहर आए, सभी उन्हें देखकर हैरान हो गए। गुरुजी जैसे गए थे वैसे ही बाहर निकले। एक साधु ने कहा,
अरे क्या भैया, तुम्हें कोई चुपके से खाना देता था? तुम्हारे शरीर पर तो व्रत का कुछ असर ही नहीं लगता। गुरुजी बोले, तुम्हारे लोग तो हमेशा कुटिया के बाहर थे, तो फिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? तो फिर तुम हमारी तरह ना खाने और पीने की वजह से कमजोर क्यों नहीं हुए? तुम लोगों का शरीर इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि तुम्हारा दिलो दिमाग तुम्हें भोजन करने को कहता रहा, पर तुमने हट कर अपने दिलो दिमाग की बात नहीं सुनी। तुम अपने मुंह से तो रोज खाना नहीं खाते थे, परंतु दिमाग और मन से रोज भोजन करते थे, उसके बारे में ही सोचते थे। जब मैं व्रत करने बैठा तो मैंने सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचा और कोई ख्याल मेरे दिलो दिमाग में नहीं आया। ईश्वर का नाम मेरे दिलो दिमाग में ऐसा बैठा कि मुझे खाने की याद ही नहीं आई। जबरदस्ती किया हुआ कोई भी कार्य तुम्हें अच्छा फल नहीं दे सकता। मन से की हुई क्षण भर की पूजा भी ऐसे हजारों व्रत पर भारी है जो मन से ना किए गए हों। सभी साधु व मौलवी गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए और इसके पश्चात गुरुजी अगली यात्रा को निकल पड़े।